हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हकीकत में बार बार इस बात को प्रभुपाद जी दोहराते हैं, अगर आप देखेंगे इस भगवद गीता में, भागवतम में बार बार इस पॉइंट को दोहरा रहे हैं कि सार्थकता क्या है। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता यह है कि हम जो संबंध भगवान से हमारा दूर हो गया, उस संबंध को वापस स्थापित कर सकते हैं, ये हमारी सार्थकता है। तो नारद जी ने भी यही किया। क्या किया कि उनको, अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की उस स्थिति को माया कहते हैं। अब माया की डेफिनेशन आ गई कि माया किसे कहते हैं। जब आप भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न नहीं है तो समझ लो माया। क्या हुआ? अब ये भागवतम हकीकत में उन्हीं के लिए है जो सर्वधर्मान परित्यज्ञा कर चुके हैं, नहीं तो आपको भागवत समझ नहीं आएगी, या आपके ऊपर से निकल जाए। क्योंकि चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्म को जानना, वानप्रस्थ के अंदर भगवत सेवा करना, ब्रह्मचारी में भगवत सेवा करना, वानप्रस्थ में भगवत सेवा करना, और संन्यास में भी भगवत सेवा करना। जैसे एक व्यक्ति ने, जो विकास द्वारा किसी का फोन आया कि जी मुझे सर्वधर्मान प्रतिज्ञा का मतलब बताया गया, सब कुछ छोड़ के आश्रम आ जाऊं। बिल्कुल, अभी तू गृह में दी है, तू अभी घर में रहता है, उस घर को छोड़ और उसको क्या बना दे, आश्रम बना। क्या बना? आश्रम का मतलब क्या, यही आश्रम है यहां हम है अभी, यही आश्रम है। नहीं, ये तो ऐसा, तो फिर गृहस्थ आश्रम कहां गया, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम कहां गया, वानप्रस्थ आश्रम कहां गया। हाँ जी, आप लोगों ने सबने घर बनाए हुए हैं, आश्रम नहीं बनाए। सारी प्रॉब्लम यही है। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रय। मैं उसको कहता हूं आश्रम, रम जा। किसमें? भगवान का आश्रय लेके क्या हो जा, भगवान में रम जा। राम का आश्रय ले ले, आश्रम। हमने तो आश्रय नहीं लिया भगवान का कभी। अब कहते हैं ना, तो गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ होता है। तू गृहस्थ आश्रम में नहीं है अभी। आप गृहस्थ आश्रम में कब होगे? जब आपका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो संबंध भगवान से टूट गया, उस भगवान के संबंध को वापस स्थापित करना। ऐसा तो नहीं है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर आ गया गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ के सामने आश्रम वर्ड नहीं है क्या? हैं जी, मैं घर पे रहकर अब भक्ति करना चाहता हूं, घर पे रहकर भक्ति होती नहीं, आश्रम में रहकर भक्ति होती। राइट, समझ में आया? घर में रहकर भक्ति नहीं होती, घर तो माया है। अब उस समझ छोड़ के आ जाए, फिर तुमने गलत बात करी। योग जोड़ने का मतलब है कि छोड़ने का मतलब है? गृहस्थ आश्रम का मतलब हुआ कि आपने आश्रय लिया भगवान का, आपने भगवान का आश्रय लिया है, यू आर सरेंडर्ड। ये यात्रा को प्रश्न मिलेगा, ज्यादातर लोग करते हैं प्रश्न कि घर पे रहकर कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं कर सकते। परंतु वो तो कर रहा है, मैंने वो आश्रम में, आश्रम में क्या, घर पे है, वो तेरे को लग रहा होगा। तेरे को प्रहलाद महाराज बोले, प्रहलाद महाराज तो महल में रहते थे। नहीं, महल में रहते थे, वो आश्रम में थे। किसमें थे? तेरे लिए महल है। जैसे कि वो रेजिडेंट मैनेजर जो होता है होटल के अंदर ही रहता है, आपके लिए वो होटल है, उसके लिए वो घर है। आपके लिए वो होटल है, परंतु उसके लिए वो घर है। परंतु जब हम आप जैसे ऐसी बात आपसे करते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा, घर छोड़ के आश्रम में चलेंगे। उसका मतलब तेरे को जिंदगी भर क्या रहेगा कि वो मेरा घर तो है ना, वो तो है बंबई में,
और मैं आश्रम में रहता हूं, ये ड्यूअलिटी जिंदगी भर रहेगी। क्या रहेगी? ये ड्यूअलिटी जिंदगी भर रहेगी, ये तो सही नहीं है, है? वासुदेव सर्वमिति क्या है? वासुदेव सर्वमिति, हर जगह वासुदेव को याद करो, और जहां वासुदेव को हर समय याद किया जाता है उस जगह को आश्रम कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं?